ये देखिए मेला के लिए भूमि तैयार की जा रही है और अभी पता करते हैं कि ये प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है कार्य या किसके द्वारा। तो यहाँ देखिए ट्रैक्टरों से भूमि समतल की जा रही है जिससे कि आने वाले समय में यहाँ मेला लग सके। आपका सुनाम दादा? कन्हैया लाल साहू। तो आप ये कार्य ये क्या प्रशासन की तरफ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं, ये सब लोगों का सहयोग। जन सहयोग से? जन सहयोग से। ये क्या मेला इलाका प्रोग्राम? हाँ जी, नर्मदा जी आने जाने वाले आदमों के लिए, नहाने धोने वाले के लिए जो आते हैं ना, उन लोगों को बारिश में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या है कि अमावसपूर्णों के लिए पब्लिक बहुत हो जाती है, उनके लिए आने जाने के लिए रास्ताएं बन रही हैं। ये आप लोग अपना चंदा करके ये सब करवा रहे हैं? ये पूरे गांव के सहयोग से ये कार्य नर्मदा जी के किनारे किया जा रहा है। ट्रैक्टर फ्री में चल रहा है। सांडिया का? अच्छा, सांडिल ऋषि की तपोभूमि, ग्राम सांडिया। ये हैं नर्मदा जी के पुजारी जी, राम जानकी मंदिर के पुजारी, और ये यहीं सांडिया गांव के रहने वाले हैं और इस मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के पिपरिया। यहाँ एक बड़ा कस्बा है। पिपरिया से लगभग 17-18 किलोमीटर नर्मदा जी के किनारे सांडिल घाट पर। हेलो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर सांडिल ऋषि की तपोभूमि सांडिल घाट पर, जिसको अब वर्तमान में सांडिया घाट कह के बुलाया जाता है, तो यहाँ पर एक केवट समाज, निषाद समाज का एक मंदिर है। स्पष्ट लिखा है कहार समाज का मंदिर। तो आइए चलते हैं उस मंदिर में, और कुछ भंडारा वगैरह हो रहा है मंदिर में, भंडारा का प्रसाद लेते हैं, दाल बाटी का प्रसाद मिलेगा, और यहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे थोड़ा नर्मदा जी की महिमा का वर्णन उनके मुखारविंद से सुनते हैं। आइए चलते हैं मंदिर में और करते हैं मंदिर में स्थापित भगवत मूर्तियों के दर्शन। ये 1963 ये बाटी इस तरीके से भुनी जाती हैं, इस तरीके से इन्हें चेक किया जाएगा। ये प्रसाद हो गया तैयार। दाल बाटी का भोग भगवान को अर्पित करते हुए ये दाल बाटी तैयार हो गई है। अब इसको साफ किया जा रहा है, इसमें जो डस्ट वगैरह होगी वो साफ हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या और कुछ भरा जाता है? नहीं, अंदर तो साफ है। अच्छा, नहीं तो इसके अंदर कुछ है? केवल आटे का गोला? आटे, अजवाइन, सब कुछ डालते हैं। अजवाइन? अच्छा अच्छा अच्छा। नमक डालते हैं? नमक डालते हैं। ये कंडे से सेकते फिर ये कंडे पे सेकते हैं इस पे। जैसे ये बन रहे हैं। ये अभी देखिए तो ये भंडारे के लिए तैयार हुआ है दाल बाटी का भोग। तो दाल बाटी का कुछ विशेष महत्व है क्या? दाल बाटी विशेष बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, अच्छा लगता है दाल बाटी।
कहाँ से, कहाँ से आप, कहाँ से? सेनवी तालाब। हम चौधरी परिवार में से हैं। अच्छा अच्छा, सेनवी तालाब से चौधरी परिवार में। उत्तर प्रदेश से आज मोबाइल में आएगा आज भैया, चैनल चले इनको। एक काम करो, सुनो तो महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में, और ये घाट माँ नर्मदा जी का, ये कौन सा घाट बोला जाता है? ये सांडिया घाट है। सांडिया घाट, यहाँ सांडिया ऋषि ने तपस्या की है। अच्छा अच्छा, इसलिए सांडिया घाट कहते हैं। इसका सांडिल्य नाम है पहले। हाँ हाँ, पहले जो सांडिल्य ईश्वर तीर्थ कहला। अच्छा अच्छा, अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश होके सांडिया हो गया। अच्छा, सांडिल्य घाट था। सांडिल्य, तो इसकी कुछ महिमा या इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? भगवान राम जी ने यहाँ पर यज्ञ किया है। अच्छा, वर्ष वनवास को आए थे, यहाँ यज्ञ किया जी। यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने कश्यप ऋषि को बुलाए, वो नहीं आए। अच्छा, वशिष्ठ जी बोले कि भैया जल्दी करो, पूजन का समय व्यतीत होना होने वाला है, मुहूर्त निकल जाएगा। इस कारण से उनने एक उसकी ग्रंथी बना के आसन पर रख दी और कहीं उनका आह्वान कर दो, आ जाएंगे वो आसन पर ग्रहण कर लेंगे। तो आसन आए, तत्काल ही आ गए। आके देखा तो बोले कि महाराज जी आप ये आसन खड़े हो गए। खड़े होकर बोल के आसन पर ग्रहण की दिया, बोलिए ये मेरी आसन नहीं है, इस पर कोई दूसरे बैठने वाला आएगा। अपन ने कमंडल से जल लिया और अभिमंत करके छोड़ दिया। अच्छा, उसके ऊपर 16 वर्ष के बालक प्रकट हो गया। अच्छा जी। हाँ, सभी लोग बोले कि इसका नाम नाम के इसका सांडिल रख दो कहीं। अच्छा, इसलिए यहाँ पर सांडिल नाम से तपस्या की है। भगवान राम ने यज्ञ कराया और यहाँ पर उनका नाम आज सांडिया से नाम से चल रहा है। अपभ्रंश होके सांडिया कहने लगे उसको। वैसे सांडिल घाट है, तपोभूमि है सांडिल ऋषि की। अच्छा अच्छा, आप जान रहे मंदिर के पुजारी हो? हाँ जी हाँ, मंदिर। आप पुजारी हैं या साधु हैं? पुजारी हूँ। अच्छा पुजारी। अच्छा अच्छा, ग्रस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शुभ नाम आपका? मेरा नाम कौशल किशोर पांडे। कौशल किशोर पांडे। हाँ। अच्छा अच्छा, तो महाराज जैसे ये दाल बाटी का प्रसाद बनता है? इनका एक साल में एक बार भंडारा होता है। अच्छा, ये तो दाल बाटी का ही क्यों? हाँ, दाल बाटी का। अच्छा, नियम है उनका। नियम है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, और ये यहाँ की मध्य प्रदेश की खास भोजन यही है, दाल बाटी हमारे मध्य प्रदेश। जी जी जी, और कहीं चाहे बने ना बने। हाँ। हमारे यहाँ तो नर्मदा जी के किनारे पे ज्यादातर इसी का चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जैसे मंदिर पे इस पे लिखा हुआ है, ये 1963 से 1970 क्या है, समझ नहीं आया? 70 में प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे सामने बना ये मंदिर। आपके सामने बना है ये? कहार समाज का है, यानी केवट। अच्छा अच्छा, कहाँ पर ये लाल जो दिख रही है इसके बगल में, वहाँ पर आत्मानंद ब्रह्मचारी ने 13 साल अखंड दीप जलाए हैं। अच्छा, ये जो कुटी दिख रही है सामने, ये सामने दिख रही है इसके बगल में उस तरफ, नहीं ये बाउंड्री को उस तरफ नहीं। अच्छा, ये गुम्बद दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, गुम्बद की उस तरफ। अच्छा उस तरफ। हाँ हाँ, जो है शिवालय है। अच्छा अच्छा, वहाँ पर आत्मानंद ब्रह्मचारी ने 13 साल अखंड दीप जलाए। आत्मानंद जी ने? ब्रह्मचारी। अच्छे प्रभाव। आप यही लोकल से हैं? सांडिया से ही? यही जन्मभूमि। यही जन्मभूमि। अच्छा अच्छा, और नर्मदा जी का जैसे परिक्रमावासी आते हैं कुछ, परिक्रमावासी आते हैं कुछ, नर्मदा जी के बारे में कुछ कहानी किससे सुनाते हों? कहानी तो बहुत है जी। हाँ वही, नर्मदा पुराण में कई कहानियां हैं। नहीं नहीं, जो यहाँ से थोड़ी दूर आगे चल करके दुधी संगम है। दुधी? दुधी जी, दुधी नदी है। अच्छा, दुधी संगम कहा है जी। वह दुधी संगम कैसे बना है कि भगवान राम जी लौट के आए जी रावण को मार जी, तो वो अपने हनुमान जी बोले कि हम माता जी से मिले आप लोग,
बोले भैया तुम क्यों मिलोगे, हम मिलोगे, हम भी मिलेंगे, चलो हमारी माता तुम्हारी माता हमारी माता, चलो। तो वो पर्वत पे पहुंचे जी, तो अंजना अंजना पर्वत है जी, वहां पर जाकर के पहुंचे तो माता तपस्या में बैठी थी, बिल्कुल पतला शरीर झंक जी, दंडवत प्रणाम बोल के ये कौन किए मेरी माता जी, दंडवत प्रणाम किया बोल के, क्यों बेटा कैसे आए, बोल के माता भगवान राम जी वनवास गए थे, वहाँ सीता का हरण हो गया था, सीता जी रावण को मार के सीता जी को लेके आ रहे हैं, उनने उठा के गोद में बिठाला और बिठाल के उठा के फेंक दिया हनुमान जी। अरे बोल के ये नालायक, तूने मेरा दूध को लजा दिया के, देख के वहीं पर दूध ये स्तन को स्पर्श किया, दूध की धार बह गई, उसका नाम दुधी आज भी है। अच्छा। यहाँ हमारे यहाँ संगम है अंजना नदी का। अच्छा। हाँ अंजना नदी का यहीं पे संगम है। यहीं संगम। अच्छा अच्छा, ये जो रास्ते में मिलती है अंजना नदी है? नहीं वो रास्ते वाले नहीं, वो तो इधर से आई है दूसरी तरफ। अच्छा दूसरी उधर से आई उस तरफ। हाँ, से वो फतेहपुर, फतेहपुर से आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं ये अच्छा मैदा खेड़ा फतेहपुर इधर जंगल में। अच्छा अच्छा, हम खुद गए परिक्रमा में। अच्छा आपने परिक्रमा की है, तो आप अपने परिक्रमा का कुछ अनुभव साथ। पहली बार गए थे जब हमने कुछ नहीं देखा था। अच्छा। तो पहली बार हम गए तो हमारा साथी था ये गांव का, 20 दिन की उसको छुट्टी मिली थी, 25 दिन जी, कहीं दादाजी मुझे 15 दिन में यात्रा करा दो। हाँ। हम चले गए दोनों जने, तो हम वो एक गांव शहर है वहाँ जाके पहुँचे, पहुँचे तो उतरे गाड़ी से उतरे, करके हमने किया भैया कछु पैदल चल रही है। अच्छा गाड़ी से लगाई थी आपने पर? हाँ गाड़ी से की, 15 दिन में किया। अच्छा अच्छा, गाड़ी से बैठ के हम पहुँचे, हम क्या पैदल चलिए, हम यहाँ से 28 किलोमीटर है नाम उसका, वहाँ से हम चले चले तो चले, रास्ता भटक गए। हाँ रास्ता भटक गए। अच्छा प्यास लगी दोनों को, जल कमंडल का खत्म हो गया, प्यास लगी बड़ी जम के, भैया प्राण निकल रहे, ये फरवरी का महीना था जी, और हम आगे चले तो एक छोटी सी बालिका आई, वो नर्मदेहार बोल के, उनकी माता जी नर्मदेहार, मुझे हमें प्यास लगी, अरे के थोड़ी दूर चले जाओ नाला है वहाँ जल पी रहे हैं। मैंने कि यहाँ क्या कर रही हैं आप, मैं भिलवा पी रही हूँ। अच्छा हमारा दिमाग बिल्कुल खत्म, दिमाग बिल्कुल रहा ही नहीं कि यहाँ जंगल में कौन आ सकता है, कौन आ सकता है। हम दोनों सटपट खड़े, थोड़ी दूर जाकर एक टपरी आती उस पर चार छः लकड़ी पड़ी थी, वहाँ जा कर के वो गायब हो गई। हम फिर विचार कर मैंने किया राय साहब, तो देख कितनी भूंदी देती है, उसने भुला दिया, अपन उसका ना पैर छी सके, एक पैसा दो पैसे दे सके, बताओ दर्शन तो दर्शन हो गए, दर्शन दर्शन हो गए। ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा। ये मतलब काफी लोगों ने बताया कि जो भी परिक्रमा करता है नर्मदा जी दर्शन जरूर देती हैं, दर्शन देती हैं, भटके हुए को रास्ता बताती। अच्छा अच्छा, चलिए नर्मदेहर बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात बताई, अच्छा लगा। तो ऐसी बातें सुनकर के लगता है कि चार परिक्रमा हो गई, चार हो गई आपकी, तो चारों आपने पैदल की हैं या नहीं, गाड़ी से? एक तो गाड़ी से की हमने 15 रोज जी, उसको 25 दिन की छुट्टी थी जी, तो हमने 15 दिन में पूरी कर दी। मैंने फिर दो तीन परिक्रमा हमने पैदल की, पैदल। अच्छा तो गाड़ी वाली परिक्रमा आपको अच्छी लगी है, पैदल? पैदल वाली अच्छी, पैदल वाली अच्छी लगती है। तो कितने समय में हो जाती है? हम तो 4-1 महीने में आ गए। अच्छा 4 महीने हो गए में भी चले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और कुछ पैदल। अच्छा अच्छा। हेलो दोस्तों, अभी हमने पुजारी, यहाँ के पुजारी श्री कौशल किशोर पांडे जी से उनके अनुभव माँ नर्मदा जी का और स्थान के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ आपको भी कुछ मिला होगा इस वीडियो से। अब हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर।